नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। इस कहानी को सुनने का ज़्यादा महत्व इस समय ही होता है क्योंकि चंद्रमा निकलने वाला है। आज ये कहानी मैं नहीं, आपको सुरेश जी सुनाएंगे, तो सुनिए उनके मुख से आज की कहानी। नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी परिवार, आप सबको विनायक चौथी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आपको मैं समंतक मणि का कहानी सुनाऊँगा। समंतक मणि का कहानी ऐसी है कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान और नारद महामुनि दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, पूरा लोकों के बारे में, तीनों लोकों के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। आप लोगों को तो पता ही है, नारद महामुनि जो है रिपोर्टर है, तो वो सारे रिपोर्ट श्री कृष्ण भगवान को दे रहे थे। इतने में शाम हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि नारद जी ने कहा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जो है प्रस्थान करूँगा अपने गम्य स्थान पर, क्योंकि आज चवती का गणेश चतुर्थी है और आज चंद्रमा को देखना वो होगा, कलंकित होगा, तो इसीलिए आज हम चंद्रमा को देख नहीं सकते। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको आज्ञा दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने पूरा शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज कोई बाहर नहीं निकलेगा और आज कोई जो है चंद्रमा देखेगा नहीं। तो इतने में श्री कृष्ण भगवान जो है अपने सारे काम पूरा दिन का ख़त्म करके उन्होंने शाम के टाइम उनको मन किया कि आज मैं गौशाला में जाके गो की सेवा करूँ। वो सेवा करते करते उन्होंने क्या किया, एक कटोरी के अंदर एक कटोरी में दूध निकालने की कोशिश करी, तो दूध में ना उनको चंद्रमा की प्रति छाया वो दिख गई है, चंद्रमा की जो फोटो है वो दिख गई है। तो इतने उन्होंने देखकर वो सोचा कि दिल में सोचा कि अरे अब तो मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा कलंक लगने वाला है। तो इतने में सत्राजित जो है उनके राज्य में एक राजा है, वो सत्राजित बहुत बड़े सूर्य भगवान के भक्त है, तो सूर्य भगवान की तपस्या करके उन्होंने सूर्य भगवान से समंतक मणि का वरदान लिया है और समंतक मणि पाया है। समंतक मणि क्या होता है, वो रोज़ सुबह जो है 100 क्विंटल का सोना वो समंतक मणि देता है। तो वैसा पावरफुल समंतक मणि, जो शक्तिशाली समंतक मणि सूर्य भगवान से उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये श्री कृष्ण भगवान को पता चला है, श्री कृष्ण भगवान ने उनसे समंतक मणि मांगी थी तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने जो है एक दिन समंतक मणि को अपने जो भाई है प्रसन्नजीत, उनको दिया था, और प्रसन्नजीत ने वो समंतक मणि पहन के शिकार पे चले गए। और वहाँ क्या हुआ कि एक शेर जो है वो समंतक मणि को मांस का टुकड़ा समझकर प्रसन्नजीत को मार डाला और वो समंतक मणि लेके जाने लगी। तो वहाँ से गुजरते हुए जाम्बवंत ने उस शेर को देखा है और जाम्बवंत ने जो है वो शेर को मार के वो समंतक मणि अपने गुफा में लेके गए और अपनी पुत्री जो जाम्बवंती है उनको दिया है। उनको देकर फिर उन्होंने जो है वो खेलना शुरू किया, फिर उन्होंने अपने तपस्या में चले गए। फिर इतने में ना सत्राजित बहुत दिन हो गए अपने जो भाई को खोज रहे थे प्रसन्नजीत, वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने कलंक लगाया कि उन्होंने जो है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने जो है, मैंने समंतक मणि नहीं दिया तो आपने मेरे भाई को मार डाला और समंतक मणि चोरी कर लिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने तो सोच लिया था, हाँ भाई ये तो चंद्रमा को देखने की वजह से मेरे ऊपर ये कलंक लगा है, अब इस कलंक को जो है मैं वो करूँगा, निष्कारण करूँगा। तो वो वहाँ जहाँ प्रसन्नजीत शिकार करने गए उस जंगल में गए अपने परिजनों के साथ और अपने परिजनों को बोला कि भैया आप लोग यहीं रुको, मैं गुफा में जाके देख के आता हूँ। वो गुफा में गए तो उन्होंने देखा जाम्बवंती के झूले पे जो है समंतक मणि लटका हुआ था। तो वो लेने जा रहे थे तो जाम्बवंत जो है उनको उनके बीच में आके उनसे लड़ने लगे, और जब उन्होंने लड़ा पूरा एक 28 दिन लड़े थे और वो जाम्बवंत जो है इस लड़ाई में हार गए थे। तो उनको समझ में आ गया ये कोई महापुरुष जो है और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो उन्होंने जो है बड़ा प्रार्थना करके अपनी पुत्री जाम्बवंती को भी उनको उनके साथ शादी कर दी श्री कृष्ण भगवान की, और श्री कृष्ण भगवान को रत्न भी दे दिया और उनको विदा कर दिया। और फिर श्री कृष्ण भगवान जो है अपने राज्य पहुंच गए और वहां सत्राजित को बुला के बड़ी इज्जत से जो है उन्होंने समंतक मणि वापस कर दिया। तो सत्राजित जो है बहुत ही शर्मिंदा हो गए, उन्होंने कहा प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मेरा जो है
ये सेवंतक मणि लीजिए और मेरे इसके साथ साथ मेरी पुत्री को भी लीजिए। उन्होंने जो है सत्रजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भी सेवंतक मणि के साथ श्री कृष्ण भगवान को सौंप दिया। और इस वो जब शादी हो रही थी श्री कृष्ण भगवान की सत्यभामा के साथ, तो वहाँ सारे मनुष्य मुनि ऋषि गंधर्व किन्नर सब आए थे। सब ने पूछा प्रभु आप तो समर्थ है, तो इसीलिए आपके ऊपर जो नीलापनिंदा मिला था तो उसको तो आपने उसकी समस्या को पूरा कर दिया, लेकिन हमारा क्या होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने तब उन्होंने वरदान दिया है, जो जिस दिन चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करके ये सेवंतक मणि का कथा सुन के और वो जो पीले चावल है गणेश जी के ऊपर डाल के वहाँ से उठा के जो अपने अपने सर पे अपने फैमिली वालों के सर पे डालेंगे, तो वो कभी इस प्रकार के कलंक उनके ऊपर किसी प्रकार के कलंक उनके ऊपर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। तो ये है आज की कहानी कैसी।